यूपी के सत्ताधारी यादव परिवार में फिलहाल सुलह, कैबिनेट मंत्री और राज्य के पार्टी अध्यक्ष बने रहेंगे शिवपाल। मुलायम ने निकाला सुलह का फॉर्मूला, टिकट बंटवारे में होगा अखिलेश यादव का दखल, गायत्री प्रजापति की कैबिनेट में होगी वापसी। लखनऊ में शिवपाल और अखिलेश यादव से मुलायम की अलग अलग मुलाकात, बातचीत के बाद निकाला हल। मुख्यमंत्री का फैसला पलटने के बाद बोले मुलायम, मेरी बात कभी नहीं टालेंगे अखिलेश, पार्टी टूटने नहीं दूंगा। शनिवार सुबह 10 बजे लखनऊ में समाजवादी के पूरे मुद्दे पर होगी चर्चा, हो सकता है कोई अंतिम फैसला। अमर सिंह पर गिर सकती है घरेलू कलह की गाज, सूत्रों के मुताबिक अमर सिंह पर कार्रवाई संभव। मुलायम सिंह से मिलने के बाद बोले शिवपाल यादव, नेताजी का हर आदेश सिर माथे। लखनऊ में शिवपाल समर्थकों ने रामगोपाल यादव के खिलाफ की नारेबाजी, पार्टी से बर्खास्त करने की मांग की। सड़कों पर आया समाजवादी पार्टी का घरेलू झगड़ा, इटावा में शिवपाल समर्थकों ने जबरन बंद कराई दुकानें। समाजवादी कुनबे में कलह पर बोले कैबिनेट मंत्री आजम खान, ये बड़े लोगों की लड़ाई, हम उनके सामने बहुत छोटे। अरुणाचल प्रदेश में सत्ताधारी कांग्रेस को बड़ा झटका, मुख्यमंत्री पेमा खांडू समेत 43 विधायक बीजेपी समर्थित पीपीए में शामिल। पूरे 46 एमएलए के साथ मुख्यमंत्री ने छोड़ी कांग्रेस, कहा हमने कांग्रेस का पीपीए में किया विलय, विधानसभा अध्यक्ष को दी सूचना। अरुणाचल संकट पर बोले कांग्रेस नेता रणजीत सुरजेवाला, इसके पीछे पीएम मोदी और अमित शाह का हाथ। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू का बयान, अरुणाचल में सियासी हलचल के लिए जिम्मेदार नहीं है बीजेपी। दिल्ली में प्रधानमंत्री ने नेपाली पीएम प्रचंड के साथ की कई मुद्दों पर बातचीत, 4 दिन के दौरे पर है। शहाबुद्दीन की जमानत के खिलाफ पीड़ित चंद्रकेश्वर प्रसाद की ओर से प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की याचिका, 19 सितंबर को होगी सुनवाई। बिहार सरकार ने भी शहाबुद्दीन की जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला किया, प्रशासन पर लगे थे पैरवी में ढिलाई के आरोप। शहाबुद्दीन की जमानत के खिलाफ सरकार के फैसले पर बोले लालू यादव, जब सरकार ने निर्णय ले लिया है तो क्या कर सकते हैं। शहाबुद्दीन ने आज तक से कहा मुझे जेल जाने में परेशानी नहीं, यह भी कहा डॉन बोलने वाले डॉन का मतलब बताएं। शहाबुद्दीन के साथ दिखने वाले शार्प शूटर मोहम्मद कैफ के घर सीवान पहुंची बिहार पुलिस, संपत्ति कुर्क। केजरीवाल सरकार के खिलाफ कांग्रेस का भगोड़ा दिवस, दिल्ली की अनदेखी करने पर सीएम का पुतला फूंका। डेंगू चिकनगुनिया से दिल्ली में 27 मौत, मंत्री और सीएम नदारद, सामने आई डिप्टी सीएम के फिनलैंड दौरे की तस्वीरें। दिल्ली सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर चिकनगुनिया को खतरनाक श्रेणी में रखा, अब हर अस्पताल को देनी होगी केस की रिपोर्ट। मथुरा पहुंचे आजम खान का, अमर सिंह पर जुबानी हमला, कहा बेइज्जती उनकी होती है जिनकी इज्जत हो। अहमदाबाद में पीएम मोदी की मां के घर पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, शनिवार को 67वें जन्मदिन पर मां से आशीर्वाद लेने पहुंचेंगे प्रधानमंत्री। कावेरी जल विवाद पर तमिलनाडु में विपक्ष का समर्थित बंद, तिरुचिरापल्ली में एमडीएमके नेता वाइको हिरासत में। विरोध प्रदर्शन में शामिल हुई डीएमके नेता कनिमोड़ी, चेन्नई पुलिस ने हिरासत में लिया। राज्यभर में दिखा बंद का असर, विरोध प्रदर्शन से सत्ताधारी एआईएडीएमके और बीजेपी ने बनाई दूरी। बेंगलुरु में भी कावेरी विवाद को लेकर प्रदर्शन, भारी सुरक्षा बल तैनात, हिरासत में लिए गए प्रदर्शनकारी। किसान एसोसिएशन ने की चेन्नई में रेल रोकने की कोशिश, कर्नाटक और तमिलनाडु को जाने वाली दोनों राज्यों की बसें सीमाओं से वापस। चित्रकूट में किसान यात्रा के दौरान राहुल का बीजेपी पर हमला, कहा यहां बीजेपी और आरएसएस को नहीं दिखाई दे रही है मरती हुई गायें। ट्विटर के जरिए राहुल का केंद्र पर हमला, लिखा खोखले वादे नहीं करते फिर माफ करके दिखाएंगे किसानों के कर्ज। पब्लिक सेक्टर बैंकों की समीक्षा बैठक के बाद जेटली का बयान, डिफॉल्टरों से वसूली जाएगी बैंक की पूरी रकम। ग्वालियर की एक सेमिनार में बिहार के सीएम नीतीश कुमार का मोदी पर निशाना, कहा खोजने पर भी नहीं मिल रहे हैं अच्छे दिन। दालों की पैदावार बढ़ाने के लिए मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम की कमेटी ने वित्त मंत्री को सौंपी रिपोर्ट, सरकारी खरीद व्यवस्था सुधारने की सिफारिश।
प्रसार भारती के चेयरमैन ए सूर्यप्रकाश ने लॉन्च की बलूची मल्टीमीडिया वेबसाइट और मोबाइल ऐप, बलूच लोगों तक पहुंच बनाना मकसद। मध्य प्रदेश के बड़वानी में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नीतीश कुमार को दिखाए काले झंडे, नीतीश को बताया विकास विरोधी। इलाहाबाद में गांधी की प्रतिमा पर जूते पहनकर माल्यार्पण करना राहुल गांधी को पड़ा महंगा, बीजेपी ने प्रदर्शन किया। पटना में पीएम मोदी के जन्मदिन से पहले बनाया गया 66 किलो का लड्डू, लोगों के साथ मनाया गया जश्न। पंजाब के पठानकोट में कांग्रेस ने निकाली ड्रग्स के खिलाफ रैली, सड़कों पर उतरे सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता। मुजफ्फराबाद में पीओके के हुर्रियत नेताओं से मिले नवाज शरीफ, कहा अगले हफ्ते संयुक्त राष्ट्र महासभा में उठाऊंगा कश्मीर मुद्दा। पाकिस्तान पर परमाणु हथियार बनाने के लिए नया यूरेनियम संवर्धन प्लांट बनाने का शक, वेस्टर्न डिफेंस एनालिस्ट के मुताबिक सैटेलाइट इमेजरी में दिखा कॉम्प्लेक्स। बलूच रिपब्लिकन पार्टी के मुताबिक बलूच नेता ब्रह्मदाग बुगती ने नहीं मांगी भारत में शरण, पाकिस्तानी चैनल जियो न्यूज की खबर गलत। समझौता ब्लास्ट मामले में मुख्य आरोपी स्वामी असीमानंद को मिली जमानत, पंचकुला की विशेष एनआईए अदालत में हुई सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने 23 सितंबर तक बढ़ाई सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय की पेरोल, सेबी ने नहीं किया विरोध। बीजेपी अध्यक्ष शाह ने ट्वीट कर दलित राजनीति करने वाले दलों पर साधा निशाना, कहा सिर्फ बीजेपी ने बाबा साहब से जुड़े 7 स्थानों का उद्धार किया। कोलकाता के सीबीआई ऑफिस में पहुंचे चिटफंड घोटाले के आरोपी मदन मित्रा, फिलहाल जमानत पर बाहर है मित्रा। पूर्व केंद्रीय मंत्री कैप्टन अयूब खां का झुंझुनू के पैतृक गांव मुआ में अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया गया सुपुर्द खाक। उज्जैन कोर्ट में जमीन विवाद को लेकर दो महिलाओं के बीच जमकर मारपीट, वकीलों ने कराया बीच बचाव। बिजनौर में छेड़छाड़ के बाद ट्रिपल मर्डर, गोली चलने से एक बच्चे सहित 3 की मौत, इलाके में तनाव, पीएसी तैनात। ग्रेटर नोएडा के शारदा यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली विदेशी छात्रा से रेप, ड्रग्स देकर नाइजीरियाई छात्र ने किया बलात्कार। नोएडा के एक शॉपिंग मॉल में नौकरी दिलाने के बहाने युवती से गैंगरेप, मॉल के सिक्योरिटी इंचार्ज पर लगा आरोप। गाजियाबाद में पहलवान राकेश पर लगा छेड़खानी का आरोप, पहलवान फरार। हरदोई में बुजुर्ग की हत्या में खुलासा, सिरफिरे आशिक ने साथी के सहित की हत्या। हाथरस में 100 रुपए के लिए एक नाबालिग ने दूसरे का गला काटा, पीड़ित अस्पताल में भर्ती। पटना में बिहार विधानसभा कैंपस में लगी आग, कई दस्तावेज जलकर खाक। सासाराम में अवैध खनन पर चला रोहतास पुलिस का डंडा, 30 से ज्यादा स्टोन क्रशर को किया ध्वस्त। सासाराम में जहरीली शराब पीने से एक शख्स की मौत, 2 की हालत गंभीर, प्रशासन लीपापोती में जुटा। खगड़िया में हल्दी के खेत से 22 पेटी विदेशी शराब जब्त, किसी की गिरफ्तारी नहीं। धौलपुर में एक शख्स ने पिस्टल के जोर पर अपने छोटे भाई की पत्नी के साथ किया दुष्कर्म, केस दर्ज। जोधपुर में प्राइवेट स्कूल की बस दुर्घटनाग्रस्त, एक छात्र की मौत, कई घायल, नशे में था ड्राइवर। अलवर में महिला के बैग से 50,000 रुपए चोरी, 15 साल की लड़की पर चोरी का आरोप। बैतूल में पिता का शव सड़क किनारे रखकर मदद के लिए भटकता रहा बेटा, नहीं मिली सरकारी मदद। देवघर मंदिर में श्रद्धालु और पुलिसकर्मी भिड़े, दर्शन के लिए लाइन में लगने को लेकर मारपीट का आरोप। रामगढ़ के पतरातू में कोयला रेत माफियाओं के बीच गैंग वॉर, अपराधियों ने 5 लोगों को निशाना बनाया। दिल्ली के अलीपुर इलाके में एक शख्स को महिलाओं ने पीटा, स्कूल जाती बच्चियों को घूरने का आरोप। दिल्ली के मधुविहार में एम्स की सीनियर डॉक्टर ऋतु ने मौत को गले लगाया, जहरीला इंजेक्शन लगाकर सुइसाइड किया। दिल्ली में गोमांस के शक में युवकों की पिटाई, 4 आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली के अमन विहार के पार्क में 2 लड़कियों के साथ गैंग रेप, 5 लड़कों पर आरोप। दिल्ली के कृष्णानगर में करंट से मजदूर की मौत, ट्रांसफार्मर उठाने के दौरान हादसा। सोनीपत के फिरोजपुर गांव में 12 साल की बच्ची का मिला शव, दुष्कर्म की हुई पुष्टि।
पानीपत में कूड़े के ढेर से मिली तीन नवजात बच्चियां, अस्पताल में की जा रही है देखभाल। मुंबई से सटे मोखाड़ा में गार्जियन मंत्री के साथ हाथापाई, तीन महीने में कुपोषण से 10 बच्चों की मौत पर हालचाल जानने गए थे मंत्री। सूरत में गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान डबल मर्डर से सनसनी छेड़छाड़ का विरोध करने पर मर्डर। असम के बोंगाईगांव में आदिवासी जातीय महासभा का बंद 12 घंटे तक, बोडोलैंड हुड़दंग, कई गाड़ियां आग के हवाले। बीकानेर में सुरक्षा बलों ने सरहद पर बंद पड़ी दो चौकियां खोली, आतंकियों के खिलाफ दिन रात होगी गश्त। कोल्हापुर में गणेश विसर्जन के दौरान झूमे पुलिस वाले, मराठी और हिंदी गानों पर चला जश्न। गुजरात के नर्मदा में खुले में शौच पर रोक लगाने के लिए अधिकारियों की रेड, पकड़े गए लोगों पर 200 रुपए का जुर्माना। हैदराबाद में फ्लैश फ्लड में फंसी कार, बाल बाल बचा ड्राइवर। रंगारेड्डी जिले में उफान पर कंगना नदी, कई रास्ते बंद। एक अंकों की बढ़त के साथ 28,599 पर बंद सेंसेक्स, 37 अंकों की बढ़त के साथ 8,779 पर बंद निफ्टी। दो हफ्ते के निचले स्तर पर लुढ़का गोल्ड, 70 रुपए तोला गिरकर 31,000 रुपए प्रति 10 ग्राम हुआ। चांदी के दाम में भी 350 रुपए प्रति किलो की गिरावट, 45,100 रुपए हुआ प्रति किलो भाव। जियो के मुकाबले में टेलीकॉम कंपनियों के ऑफर्स, एयरटेल यूजर्स को मिलेगा 5 GB फ्री डेटा, BSNL देगा 1199 में अनलिमिटेड कॉलिंग और डेटा। पहलवान नर्सिंग डोपिंग विवाद की जांच CBI के हवाले, फेडरेशन अध्यक्ष ने पीएम मोदी से मिलकर की थी मांग। डेविस कप में स्पेन के फेलिसियानो लोपेज ने रामकुमार रामनाथन को 4 सेटों में हराया, पेट दर्द की वजह से नहीं खेले नडाल। रोहित शर्मा और अजिंक्य रहाणे को खेल मंत्री विजय गोयल ने दिया अर्जुन पुरस्कार, वेस्टइंडीज दौरे की वजह से खेल दिवस पर अवार्ड नहीं ले पाए थे। 9 साल बाद छलका धोनी का दर्द, कहा 2007 वर्ल्ड कप हार के बाद देश में कातिलों और आतंकियों जैसा सुलूक हुआ। मुंबई के खिलाफ अभ्यास मैच के पहले दिन न्यूजीलैंड ने 7 विकेट और 324 रन पर घोषित की पहली पारी। अगस्त में एक्सपोर्ट में 0.3% की गिरावट, अगस्त 2015 के 2,158 करोड़ डॉलर के मुकाबले अगस्त 2016 में घटा एक्सपोर्ट। अमिताभ बच्चन ने विदेशों में भारत की छवि पर जताया दुख, कहा हमारे देश को लैंड ऑफ रेप कहते हैं विदेशी। स्मिता पाटिल अवार्ड मिलने पर कैटरीना का सोशल साइट पर मजाक, लिखा अगर कैटरीना को स्मिता पाटिल अवार्ड तो साजिद खान को दे दो ऑस्कर। अभिनेता शाहिद कपूर के स्विमिंग पूल में मिला डेंगू का लार्वा, BMC अधिकारियों ने जारी किया नोटिस। पशु कल्याण बोर्ड चेन्नई की एम्बेसडर चुनी गई सौंदर्या रजनीकांत, सुपरस्टार रजनीकांत की बेटी। जिनेवा में तिब्बतियों और रोहिंग्या मुसलमानों का विरोध प्रदर्शन, चीन के खिलाफ मानवाधिकार उल्लंघन पर कार्रवाई की मांग। चीन के फुजियान प्रांत में मेरांती तूफान से लाखों प्रभावित, करीब 26 लाख घरों में पानी बिजली का संकट। अर्जेंटीना के चाको में भूवैज्ञानिकों को मिला 30 टन वजनी उल्का पिंड, करीब 4,000 साल पुराना होने की उम्मीद। पेरू के अमेजॉन जंगल में लगी आग से करीब 1,000 हेक्टेयर जंगल पर पड़ा असर, राहत कर्मियों के मुताबिक एक गांव से फैली आग। अमेरिकी राष्ट्रपति पद के लिए डेमोक्रेट उम्मीदवार हिलरी क्लिंटन प्रचार पर लौटी, पत्रकारों से कहा अब स्वस्थ हूं मैं। शतक